उपलब्ध कराएगी। जब भी आपको पुलिस की सुविधा की आवश्यकता होगी तो 112 नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो 20 मिनट में पुलिस की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में नालंदा जिला में साइबर थाना की स्थापना हुई है, आप परिचित हैं कि बिहार थाना परिसर में वर्तमान में ये कार्यरत है। आप साइबर अपराध से जुड़ी समस्या के लिए अगर आप साइबर थाना को संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, और अगर कोई आसूचना देना चाहते हैं तो आसूचना भी वहां जाकर आप दे सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप नालंदा पुलिस से जुड़ सकते हैं, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा है। आप सभी खास करके युवा वर्ग के जो लोग हैं वो हमें फॉलो कर सकते हैं। पुलिस का जो वर्जन रहता है किसी घटना पर वो आपको सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध होगा, जल्दी उपलब्ध होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सूचना देना चाहते हैं तो भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं। फेसबुक पर अधिकतर युवा हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कई ऑफिसर्स का प्रमोशन हुआ है और लगातार रिक्तियां भरी जा रही हैं, सिपाहियों की भी भर्ती हो रही है, 25,000 सिपाहियों की भर्ती हो रही है। जैसा आप लोग जान रहे हैं अक्टूबर में परीक्षा है, तो भर्ती होने के बाद जो है आप बल और पदाधिकारियों की कमी नहीं रहेगी और आप लोगों को सुविधा मिलेगी। जो कांड लंबित कांड है उनका निष्पादन तेजी से होगा और जो कार्रवाई है वो तेजी से होगी। प्रत्येक दिन थाना में, अनुमंडल में और जिला में जनता दरबार लगता है। आप लोग पुलिस से जुड़ी समस्या जो है जनता दरबार में जाकर कह सकते हैं, थाना अनुमंडल और जिला स्तर पर कह सकते हैं। भूमि विवाद को लेकर भी हम लोग प्रत्येक शनिवार को बैठक करते हैं थाना स्तर पर, जिसमें CEO और SHO मिलकर जो है आपकी समस्या सुनते हैं। आप वहां जाएं और यदि आप उस समाधान से संतुष्ट नहीं है तो आप बुधवार को SDO और SDPO के जनता दरबार में जाकर अपनी समस्या रख सकते हैं। इतना मुझे कहना था। आप लोग लगातार जो है वो पुलिस को सहयोग करें, पुलिस आपके सहयोग के लिए तत्पर है। धन्यवाद। हमारा करायपुर सराय में दूसरा स्थल है। इस कार्यक्रम का दो मेन उद्देश्य है। पहला है कि सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उस योजना में अगर कोई कमी है तो कहाँ शिकायत करना है, किस हेल्पलाइन पे शिकायत करना है। कई बार आप लोगों को नहीं जानकारी होती, किसी योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ पे बोलेंगे वो पूरे प्रखंड क्षेत्र की जो बड़ी समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोगों को अवगत करा सकते हैं, और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें कैसा अनुभव रहा है, कैसी विकास की यात्रा रही है, जैसे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में देखा है उसके बारे में भी अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सकते हैं, और कुछ सुझाव देना है तो सुझाव दे सकते हैं।